गाइज यार हमारे चैनल पर कंप्लीट हो चुके हैं 1K सब्सक्राइबर्स। आपको मालूम चला? नहीं चला होगा भाई, मैंने बताया ही नहीं है ना, तो छोड़ो उसको। आज की वीडियो पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ रियलमी X7 प्रो 5G स्मार्टफोन के बारे में। लेकिन रुको रुको रुको, मैं इतनी जल्दी में क्यों हूँ भाई, एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं रियलमी X7 प्रो 5G स्मार्टफोन और OnePlus Nord 5G स्मार्टफोन के बारे में। दोनों को कंपेयर करेंगे और आपको एट लास्ट वीडियो में बताएंगे कौन सा स्मार्टफोन के लिए आपको जाना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन सही है, अपनी प्राइस रेंज पर खरा उतरता है, किसमें अच्छा स्पेक्स मिलता है, किसमें क्या होता है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखते रहिएगा। और 1K सब्सक्राइबर के लिए गाइज बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। जैसे ही हमारा चैनल मोनेटाइज होगा वैसे ही हम गिव अवेज रखेंगे, सो फॉर 1K थैंक यू सो मच गाइज। चलो अभी कंपेयर भी कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन को कि डिटेल्स ही लेते रह जाओगे यार। चलो स्क्रीन पर डायरेक्टली अगर अभी अपन OnePlus Nord के स्क्रीन के ऊपर नज़र डालते हैं, जिसपे 6.44 इंचेस का मिलता है, जिसपे आपको 1080x2400 का पिक्सल देखने को मिलता है 409 PPI का। वहीं Realme X7 Pro का देखेंगे तो यहाँ पे 6.55 इंचेस का मिलता है और 1080x2400 और 402 PPI का मिलता है। मतलब डिस्प्ले में साइज़ में Realme X7 आगे निकल जाता है। और बात करें अगर एक और मेजर कंपोनेंट की, वो है कैमरा। तो कैमरे में OnePlus Nord में आपको 48+8+5+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और 32+8 मेगापिक्सल फ्रंट मिलता है। Realme X7 की बात करें X7 Pro की, तो यहाँ पे 64+8+2+2 मिलता है और 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है। तो मतलब Realme X7 Pro कैमरे के मामले में भी आगे निकल जाता है। 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा है बहुत ही तगड़ा कैमरा होता है Realme X7 का, है ना। तो अगर अपन बात करें बैटरी की, जो एक मेजर कंपोनेंट है, तो OnePlus Nord में आपको 4115 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। वहीं Realme X7 Pro की बात करें तो यहाँ पे आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। मतलब बैटरी के मुकाबले में भी Realme X7 Pro आगे निकल जाता है। अब जब भी ये फ़ोन में बैटरी दी गई है तो चार्जिंग भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए कि ऐसे ही चला लोगे। तो चार्जिंग की बात करें तो OnePlus Nord में अगर आप चार्जिंग के लिए देखोगे तो यहाँ पे आपको वार्प चार्जिंग मिलती है 30 वाट की, जो कि स्मार्टफोन को 30 मिनट में 70% चार्ज कर देती है। अच्छी बात है भैया। Realme X7 Pro की बात करें तो यहाँ पे आपको सुपर डार्ट का 65 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि 35 मिनट में 100% चार्ज कर देता है। मतलब OnePlus Nord बहुत पीछे है इस मुकाबले पर, Realme X7 Pro आगे निकल जाता है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको OnePlus Nord में फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें 90 Hz का रिफ्रेश रेट है। वहीं Realme X7 Pro की डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 120 Hz का रिफ्रेश रेट है। मतलब यहाँ भी भैया Realme X7 Pro आगे, बहुत आगे जा रहे हो भैया। और दोनों स्मार्टफोन्स में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास V5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। मतलब यहाँ तो दोनों सेम है, अच्छी प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है। एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स में यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 10Q का सपोर्ट मिलता है। एंड्रॉयड 11 अपडेट देनी चाहिए थी Realme X7 Pro को, तो एकदम और आगे निकल जाता। और यहीं पे अगर आपके नेटवर्क की बात करें तो दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स 5G पर बेस्ड हैं, 5th जनरेशन पर बेस्ड हैं। तो मतलब दोनों स्मार्टफोन 5th जनरेशन पर बेस्ड हैं। तो अभी अपन मेन रिजल्ट की बात करते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन इन पूरे स्पेसिफिकेशंस के जरिए विनर रहा। तो यहाँ पे हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो Realme X7 Pro है वो विनर है ना। तो मैं आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स में Realme X7 Pro को जाने के लिए बोलूँगा, आप किसी को कंसिडर कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, वैल्यूएबल फॉर मनी फ़ोन है।